अगली देवता फील्ड है साउथ ईस्ट की देवता फील्ड। साउथ ईस्ट की दो देवता फील्ड आती है, E8 की आकाश की देवता फील्ड और S1 की अनिल की देवता फील्ड। ये दो देवता फील्ड साउथ ईस्ट की देवता फील्ड मानी जाती है, जो आकाश की देवता फील्ड E8, अनिल की देवता फील्ड S1। थोड़ा सा हम आकाश और अनिल के बारे में इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि ये देवता फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंबाइंड है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आकाश की जो देवता फील्ड है, आकाश क्या है, स्काई, ओपन स्काई, ठीक है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट स्पेस है, इसका कोई अपनी अपनी कोई भी इसकी मतलब लिमिटलेस है, इट्स आकाश इज ए लिमिटलेस, ठीक है। ये देवता फील्ड आकाश की जो देवता फील्ड है ये स्काई, ओपन स्काई या विजिबिलिटी के नाम से भी इसको दर्शाया जा सकता है, मतलब लिमिटलेस है ये। और अनिल क्या है, अनिल को माना जाता है गॉड ऑफ विंड, अनिल को माना जाता है गॉड ऑफ विंड माना जाता है, हवा जो है आकाश में ही चलती है, तो ये गॉड ऑफ विंड, ये इसलिए कंबाइंड देवता फील्ड है एक तरीके से, आकाश और अग्नि। हवा जो आकाश में चलती है, अग्नि जो है गॉड ऑफ विंड के नाम से ही माना जाता है, गॉड ऑफ नेचर के नाम से ही माना जाता है। अनिल को जो है ऐसा ही माना जाता है कि जो आठ जो अष्ट वसु है उनमें से वन ऑफ दी एलिमेंट जो है, वन ऑफ दी एलिमेंटल गॉड जो है, गॉड ऑफ नेचर जो है उसको माना जाता है। बाकी जो सात जैसे माने जाते हैं, पृथ्वी, फायर, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, स्पेस और ध्रुव तारा, ये बाकी सात वसु माने जाते हैं, उनमें से आठ वसु में से एक वसु गॉड ऑफ नेचर अनिल को माना जाता है, गॉड ऑफ विंड माना जाता है। तो बाकी जो सात है वो है पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और स्पेस और ध्रुव तारा, ये इसके बाकी हैं। तो आकाश के एट्रीब्यूट क्या है, आकाश इज दी स्पेस बिटवीन दी धरती और आकाश मंडल, मतलब अर्थ और हेवन में जो बीच का जो रास्ता है वो है आकाश की देवता फील्ड। आकाश की जो देवता फील्ड है वो है एरिया ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो एरिया ऑफ मैनिफेस्टेशन की देवता फील्ड है आकाश की। आकाश की जो देवता फील्ड है वो हमारे को, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, इट प्रोवाइड स्पेस टू अस, इट अलाउज अस थिंग्स टू हैपन इन अवर लाइफ, इट इज दी देवता फील्ड विच प्रोवाइड दी ऑक्सीजन टू फायर टू इग्नाइट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगेगी, इग्नाइट नहीं होगा, तो वो आकाश की देवता फील्ड है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर ये देवता फील्ड इम्बेलेंस तो मैनिफेस्टेशन में दिक्कत होती है, मैनिफेस्टेशन वीक हो जाती है और अग्नि वीक हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण फायर नहीं लगती, फायर नहीं लगेगी तो आग भी नहीं आएगी। आकाश की देवता फील्ड, इट इज ऑल अबाउट दी कन्वर्टिंग दी स्पेस इनटू दी रहने लायक बिल्डिंग, क्योंकि आकाश जो है वो पूरा ब्रह्मांड लिमिटलेस, और वो देवता फील्ड है ये जो कि स्पेस को एक ऐसे शेप में कन्वर्ट करता है जहां पे इंसान वास कर सके, वो लिवेबल बिल्ट स्पेस की आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, लिवेबल बिल्ट स्पेस। जो आकाश जो है अपने आप में एक शब्द है, एक साउंड है आकाश, और उसका एक छोटा रूपांत जो है आकाश जो क्रिएट करता है, मिनिएचर जिसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए बिल्ट स्पेस, क्योंकि हर स्पेस के अंदर भी एक साउंड का वास होता है, एक शब्द का वास होता है, हर हर भूमि के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर उस स्पेस का, भूमि है वो आकाश का, वो शब्द का वास होता है, वो जो वास होता है वो आकाश है, वो वही आकाश है जो कि इस देवता फील्ड को रिलेट करता है। आकाश का जो पद है वो एक तरीके से बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीजों को, लिमिटलेस चीजों को एक छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे दर्शाने की कोशिश करता है। समागम सूत्रधार में आकाश को नाभो देवा के नाम से भी उसको संबोधित किया है, दी स्काई ऑफ गॉड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है जो स्काई ऑफ गॉड को दिव्युस पिता भी माना गया है, जिसे स्काई ऑफ फादर भी माना गया है, और स्काई ऑफ फादर इसको माना गया ऐसे कि स्काई ऑफ फादर ने पृथ्वी को, पृथ्वी माता जो हमारी माता, पृथ्वी माता को पृथ्वी माता को उन्होंने गर्भवती किया, जिसको कि रेन्स के फॉर्म में सींचा, बारिश के फॉर्म में सींचा,
ऐसा माना जाता है समराना सूत्रधार में अंतरिक्ष को, आकाश को, समराना सूत्रधार में आकाश को अंतरिक्ष के नाम से भी इसलिए माना जाता है। ऐसा भी माना गया है कि अंतरिक्ष आकाश फादर स्काई ऑफ फादर इज आल्सो बीइंग कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंद्र, फादर ऑफ द इंद्र भी इनको माना गया, जो कि फ्यूचर में जो आगे जाके जो जो माना गया कि मतलब बाद में जो है इंद्र को देवताओं के भगवान, देवताओं के किंग ऑफ देवता या लॉर्ड ऑफ रेन्स, लॉर्ड ऑफ फायर, ये सब चीजों से उनको माना गया। इनिशियली इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज दी ज्यूस पिता एंड जिसको कि रिलेट किया जाता था जुपिटर से, और जुपिटर को हमारे शास्त्रों में एक वास्ट एक्सपेंशन का कारक माना जाता है इंडियन सिस्टम में, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, आकाश को वापस आते हैं। आकाश जो है एक ओपन स्पेस है, एक आउटर स्पेस है, एक पूरा एटमोस्फियर है, एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का पूरी उसमें जो शब्द गूंजते हुए शब्द है वो पूरा आकाश को रिलेट करता है। आकाश को वायु प्राण में ऐसा भी माना गया है कि वायु प्राण के साथ आकाश इज दी कंसिडर्ड एज दी 13 वेद व्यास, ऐसा माना जाता है आकाश को वायु प्राण के अनुसार। आकाश इज कंप्लीट यूनिवर्स, आकाश इज दी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देने वाला जोन, आकाश की देवता फील्ड है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देने वाली जो जोन होती है वो आकाश की देना जोन है, क्योंकि आकाश जो है संकेत है। जब भी कोई घटना घटती है तो आसमान में जैसे साउंड की माध्यम से साउंड बरसती है, साउंड की आवाज आ जाती है, तो आकाश जो है किसी भी घटना को घटने के लिए संकेत देने वाली देवता फील्ड है, वो संकेत प्रदान करता है आकाश की देवता फील्ड। आकाश की देवता फील्ड के अगर हम शॉर्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट देखें तो स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई हेवन के बीच में जो स्पेस है दैट इज आकाश की देवता फील्ड। आकाश जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विच जो इंसान को जीवन जीने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन जो कि फायर के लिए जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के ना इग्नाइट होगा, ना फायर में आग लगेगी, ना इंसान सांस ले पाएगा। तो इसलिए ये जोन मैनिफेस्टेशन की जोन है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। इंसान जब बोलता है कि मेरा सारा काम रुक गया, सब कुछ अटक गया, यानी कि उसकी मैनिफेस्टेशन अटक गई, उसका काम अटक गया, यानी उसकी आई एम गेटिंग स्टक, मेरा तो हर काम ही अटक गया, मेरी तो पेमेंट ही अटक गई, मेरी तो शादी अटक गई, मेरा तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा तो समस्याएं बढ़ गई मेरे जीवन में, मेरे को तो मान सम्मान रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, मेरे को तो अप्रिशिएशन नहीं मिलता, मेरे घर में तो चोरी होनी शुरू हो गई, मेरे घर में तो कोई भी चीजें सही से नहीं हो पाती हैं। ये सारी घटनाएं जब घटनी शुरू होती हैं तो आकाश की देवता फील्ड का इम्बेलेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस जोन के अंदर यंत्र लगाते हैं लोग बहुत सारे, इस जोन के अंदर बहुत सारे रेड बल्ब भी लगाते हैं। रेड बल्ब और यंत्र की, अभी रेड बल्ब के बारे में मैं आपको बता दूं, रेड बल्ब जो होता है अगेन फायर है, रेड बल्ब इज ए प्रॉपर फायर। कई बार फायर की जोन इम्बेलेंस है और वहां पे बल्ब लगा दिया जाए तो उस बल्ब के लगाने से वो जोन और ज्यादा इम्बेलेंस हो जाती है, वो जोन और ज्यादा विकसित हो जाए, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि अनवांटेड हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाए, नुकसान होना बढ़ जाए। फायर लगाने से एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, बॉडी के ऊपर रैशेज होने शुरू हो जाते हैं फायर में इम्बेलेंस होने से, और ए इम्बेलेंस की एक दर्शाता है। इस जोन के अंदर कॉपर अच्छा कार्य करता है, रेड बल्ब की जगह पे यहाँ पे अगर कॉपर को प्लेसमेंट की जाए इट वर्क्स फार बेटर। ये जो जोन है शुक्र की जोन है, ये जोन है शुक्र की जोन है, तो यहाँ पे फीमेल ज्यादा इफेक्ट करती है बनस्पत मेल के। इस जोन में अगर ये जोन इफेक्ट हो जाती है तो फीमेल को ज्यादा, क्योंकि शुक्र जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर इस जोन में कट आ जाता है तो यहाँ या ये जोन घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पे जो इस घर के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इधर दे आर नॉट पार्ट ऑफ फैमिली और इधर दे आर अवे फ्रॉम दी हाउस। इस जोन में स्टोर जो आ जाता है वो रिप्रेजेंट शनि को करता है स्टोर। इस जोन में स्टोर जो आता है वो एडवर्सली करता है हमारे जीवन को, हमारी लाइफ क्रिया को एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसकी देवता का अल्टरनेट नेम इसको नवोदेव के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इसका प्लैनेट है इस देवता फील्ड का,
अंतरिक्ष भी इसको बोला जाता है, और ये हमारी इनर स्पेस का काम करता है, ये हमारी बैंडविड्थ बढ़ाता है, ये स्पेस हमारी मार्केट स्पेस बढ़ाता है। जब इंसान कहता है मेरा विस्तार नहीं हो रहा, जब इंसान कहता है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, जब इंसान कहता है मेरा मार्केट में वजूद नहीं बन रहा, जब इंसान कहता है मेरी मार्केट की एक्सपेंशन नहीं हो रही, ठीक है, बैंडविड्थ इज एन एक्सपेंशन, तो इस देवता फील्ड में चेक किया जाए। इस देवता फील्ड को चेक करना जरूरी है। इंसान जब लोग कहते हैं कि जी हमारी हमारा काम धंधा सही है, हमारे सभी कुछ सही है, लेकिन हमारी मार्केट किस मार्केट में शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ रही है, हमारी बाजार के अंदर जो हमारा दायरा है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि हमारी सभी कुछ ठीक होते हुए भी अगर ये समस्या पैदा हो रही है तो ये वाली स्पेस को कंसिडर किया जाए, इसको चेक किया जाए। यहाँ की जो ग्रॉसरी है वो है लौंग या धनिया, इसकी ग्रॉसरी इसको हम यूज कर सकते हैं।